गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल पी वी आर स्टडी पे। हमारी जो सीरीज चल रही थी, श्रृंखला चल रही थी प्रश्नों की, तो आज हम फिर आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेके 15 क्वेश्चनों की सीरीज। आज जीव विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पिछली क्लास में या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग जुड़े हैं, नए व्यूअर होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। आज का पहला प्रश्न है, देखिए मित्रों, निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए है आरबीसी, ये जो हमारी है मतलब रेड ब्लड सेल्स, मतलब जो हमारी ब्लड में पाई जाती है उनमें दिया गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, विषाणु, और ऑप्शन डी दिया गया है ए और सी, यानी आरबीसी में, और सी का मतलब होता है विषाणु। ठीक है दोस्तों, एक सूचना आपके लिए है कि आप जो है लिंक से जाकर, जो है लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स से जाकर हमारे प्ले स्टोर को प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी पीडीएफ पाने के लिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा नई नई वीडियो पाने के लिए। चलिए ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो क्या आरबीसी में, या फिर डब्ल्यूबीसी में, या फिर विषाणु में, या फिर ए और सी का मतलब आरबीसी और विषाणु में। तो जिसका राइट आंसर होगा ए और सी। कैसे राइट आंसर होगा भाई, हमने पढ़ाया था आपको ब्लड वाली क्लास, आप याद करेंगे, तो ब्लड में, ब्लड का मतलब जो आर बी सी और विषाणु, विषाणु, विषाणु का मतलब होता वायरस। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में नहीं पाया जाती। ठीक, क्लियर हुआ आपको, दोनों में मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम लोग आएंगे। दूसरा है, लसिका का रंग होता है कैसा होता है, लसिका का रंग कैसा होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया, हल्का पीला, सफ़ेद, लाल, गहरा नीला। लसिका क्या होती है भाई, लसिका एक लिक्विड होती है भाई, लसिका, लसिका दोस्तों एक लिक्विड होता है जो ब्लड की तरह ही दिखता है, ब्लड की तरह ही बिल्कुल रहता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो इसका जो कलर होता है दोस्तों वो कैसा होता है, सफ़ेद होता, वाइट होता। किस पिगमेंट की वजह से लसिका का कलर सफ़ेद होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी कि लसिका कोई वाटर नहीं होता, द्रव नहीं होता, ये हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, मतलब एक संयोजी ऊतक होता है, एक तंत्र होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और एक किस कलर का दिखता है, लाल। दो लिक्विड टाइप के आर्गन होते हैं, एक ब्लड होता है, एक लसिका होता है। ब्लड जो है लाल होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, और लसिका जो है कैसा होता है इसको आप बताएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्न में कौन सी कोशिकाओं में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, आरबीसी में, या डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, या पादप कोशिका में। तो कौन सी कोशिकाओं में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता, अभी तक केंद्रक आपने देखा, अब आता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स का मेन वर्क क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या पादप कोशिका। तो आरबीसी एक ऐसी कोशिका होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें ना ही केंद्रक होता है, ना ही क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होता। आरबीसी के लाइफ स्पैन कितनी होती है, कमेंट में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 5 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 6 कक्ष। तो जिसका जो राइट आंसर होता है 4 कक्ष होता है। ये मानव हृदय कुछ इस तरह का होता है भाई, ठीक, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट ऑर्किल, और इसको क्या कहेंगे, राइट वेंट्रिकल। ये क्या होती है, लेफ्ट ऑर्किल, और इधर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ दोस्तों, ये हमारा जो है क्या नाम है, हार्ट होता है, जो हमारा राइट पार्ट होता है, यानी इधर कौन सा ब्लड होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या और इधर कौन सा होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2 वाला ब्लड लेफ्ट साइड में होता। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन इसमें से राइट ऑर्किल में कैसा ब्लड होता है, तो आप बताएंगे प्योर ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। लेफ्ट ऑर्किल में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है दोस्तों, इम्प्योर ब्लड होता है ना। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन से हमने कितना आपको बताया, तो जो इसका राइट आंसर है क्या बताया मैंने,
चार कक्षक होते हैं। कितने? चार कक्षक होते हैं। अभी हमने दिखाया आपको करके ना, चार कक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे हम आएंगे। क्या है पेरिकार्डियम? क्या है पेरिकार्डियम, इसको आप बताइए। गुर्दे की बाहरी आवरण, जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, या हृदय का बाहरी आवरण यानी हार्ट के ऊपर की आउटर मेम्ब्रेन, गुर्दों की भीतरी आवरण यानी जो किडनी होती है उसके इंटरनल आवरण मेम्ब्रेन, या हृदय की भीतरी आवरण यानी जो हार्ट होता है उसके इंटरनल मेम्ब्रेन। तो जो इसका राइट आंसर है, आप लोग कमेंट करेंगे, जो पेरिकार्डियम होती है दोस्तों, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरी कार्डियम, ये एक फ्लूइड टाइप मेम्ब्रेन होती है, फ्लूइड टाइप मेम्ब्रेन होती है जो कहाँ पाई जाती है, हमारे हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के बाहर चारों तरफ जो है ये हमारा हार्ट होता है दोस्तों, तो इसके चारों ओर ऐसे घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। तो ठीक है, याद रखिएगा पेरिकार्डियम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेरिकार्डियम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम से आप इतना जानिएगा, ये जो हमारी हार्ट होती है, हार्ट के जो बाहर का जो आवरण होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिकार्डियम। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में शुद्ध रुधिर होता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया है, चलिए कमेंट में आप लोग बताएंगे फटाफट। मानव हृदय में शुद्ध रुधिर होता है, दयालिंद, दयालिंद का मतलब राइट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यानी क्या बताया मैंने, राइट ऑर्किल, और क्या लिखा है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, या ये सही है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लेफ्ट ऑर्किल या लेफ्ट ऑर्किल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राइट ऑर्किल या फिर लेफ्ट ऑर्किल, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग कमेंट करके। मानव हृदय में शुद्ध रुधिर यानी प्योर रुधिर किधर बहता है, राइट ऑर्किल, पहला ऑप्शन है राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑर्किल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ए नंबर होगा। अभी हमने बताया था क्या होगा, दायां लिंद या बायां दायां निलय, ठीक है, यानी हमारे राइट साइड में कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रुधिर धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, रुधिर धमनियों में, हमारे यहाँ दो तरह की क्या होती है भाई, ब्लड क्या नाम है, होती हैं वेसल्स होती हैं, ठीक है, वाहिकाएँ पाई जाती हैं, एक का नाम होता है वेन्स, एक का नाम होता है आर्टरीज, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है, आर्टरीज में कैसी ब्लड बहती है, प्योर ब्लड, कैसी बहती है, प्योर, ठीक दोस्तों, और वेन्स में कैसा ब्लड बहती है इम्प्योर। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद है, किसका अपवाद है मैं उसको बता दूं आपको, जो हमारा क्या होता है वेना कावा, वेना कावा में कैसी बहती है, प्योर बहती है, कैसी बहती है, प्योर, और जबकि हम वेन्स में क्या जानते हैं कि हमेशा जिसको हम क्या कहते हैं, महाधमनी, ठीक है, महाशिरा, इसमें कैसी बहती है, प्योर यानी शुद्ध बहती है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसका एक और पार्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कैसी बहती है, पल्मोनरी आर्टरी में कहती बहती है दोस्तों, इसमें कैसी बहती है, इम्प्योर बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एनटीपीसी वाले खासकर इसको ध्यान देंगे, पल्मोनरी आर्टरीज और वेना कावा, इन दोनों का एक्सेप्शन है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, रुधिर शिराओं में कैसा रक्त बहता। अभी देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अभी हमने किसके बारे में देखा था, हमने देखा था आर्टरीज के बारे में यानी धमनी के बारे में, अब सिरा के बारे में आ गया, तो सिरा में कैसा बहता हम जानते हैं, अशुद्ध ब्लड बहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही रिपीट हो रहा, पल्मोनरी सिरा में कैसा ब्लड बहता है,
पल्मोनरी सिरा, देखिए क्या लिखा है सिरा, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या लिखा है सिरा, सिरा मीन्स क्या होता है वेंस, और वेंस में कैसा बहता है हमेशा इनप्योर बहता है, बट पल्मोनरी सिरा अगर की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन युक्त यानी प्योर ब्लड, ठीक दोस्तों, पल्मोनरी सिरा। इसी तरह क्या हो जाएगा पल्मोनरी धमनी, उसमें कैसा बहता है इम्प्योर बहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुधिर कोशिकाओं में कैसा रुधिर कोशिकाओं में कैसा रुधिर होता है, ऑक्सीजन युक्त, डी ऑक्सीजन युक्त, मिनरल युक्त, या ऑक्सीजन व डी ऑक्सीजन। तो रुधिर कोशिकाएँ यानी जो रुधिर वाहिकाएँ होती है उसमें कैसा होता है ऑक्सीजन व डी ऑक्सीजन दोनों ब्लड पाए जाते हैं। कभी मत सोचिएगा कि प्योर होता है, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज, आप ये जानिएगा ब्लड कैपिलरीज कैपिलरीज में कैसा होता है प्योर एंड इनप्योर दोनों, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा प्योर एंड इनप्योर दोनों होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, सामान्य व्यक्ति में रक्त का पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। सामान्य व्यक्ति में रक्त के पीएच का मान होता है, कई बार पूछा गया है, देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया 4.5 to 4.6, क्या ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी दिया गया है 6.45 to 6.55, या ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी दिया गया है 7.35 to 7.45, ऑप्शन डी दिया गया है 8.25 to 8.3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा 7.3 to 7.4, यानी कितना होता है पीएच हमारे ब्लड का अगर हम देखें तो 7.4 होता, 7.4 का मतलब क्या होता हमारे ब्लड का नेचर कैसा होता भाई, कैसा नेचर होता हमारे ब्लड का, कैसा नेचर होता है एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन मतलब एल्केलाइन का मतलब क्या होता है हमारा ब्लड क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। हमने पीएच स्केल के बारे में क्या सीखा दोस्तों, पीएच जो है जब 7 पे हो जाता है, 7 पे हो जाता है पीएच वैल्यू तो क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, और जब 7 से बिलो हो जाता है तो क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता है, और 7 के प्लस हो जाता है तो कैसा हो जाता है क्षारीय हो जाता है। तो याद रखिएगा हमारे ब्लड का नेचर कैसा होता है क्षारीय होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं हमारे ब्लड का नेचर कैसा होता है क्षारीय होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक साथ दो दो क्वेश्चन कराया गया है इसमें, इस ऑप्शन में देखिए, यानी WBC का निर्माण कहाँ पर होता है और RBC कहाँ पर मरती हैं, ए में है क्या लसिका ग्रंथियां में, बी में है क्या प्लीहा में, सी में है क्या पैंक्रियाज में, और डी में है क्या यकृत में, दोस्तों बताइएगा। तो WBC का निर्माण कहाँ होता है, पहली बात ये जानिए, RBC का निर्माण कहाँ होता है बोन मैरो में, कहाँ होता है बोन मैरो में, और WBC का कहाँ होता है प्लीहा में, कहाँ होता है दोस्तों प्लीहा, और इसी में हमारी जो होती हैं RBC जो ख़त्म हो जाती हैं इसको ये शक कर लेता है, यानी इस प्लीहा को क्या कहते हैं हम सुसाइड ऑफ द RBC, मतलब RBC की आत्महत्या की थैली, किसको कहते हैं प्लीहा को कहते हैं। तो याद रखिएगा कितने क्वेश्चन मैंने बताया, WBC कहाँ बनता है प्लीहा में, ठीक है दोस्तों, WBC कहाँ बन रहा है प्लीहा में, ठीक, WBC प्लीहा में बन रहा है, प्लस और क्या हो रहा भाई आप लोग ये जानिएगा, ठीक, WBC प्लीहा में बनता है प्लस RBC की यही डेथ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त होता है, रक्त क्या होता भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा गया है कई बार, क्या एक संयोजी ऊतक होता है या उपकलित ऊतक होता है या उपयुक्त में से दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तो बताइए क्या होता है रक्त का नेचर कैसा होता पूछा गया, क्या एक संयोजी ऊतक होगा या एक उपकलित ऊतक होगा या उपयुक्त में से दोनों, यानी ए ऑप्शन ए योम, ऑप्शन बी दोनों करेक्ट होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द डीज, ठीक है। तो आप बताइएगा क्या करेक्ट हो रहा है इसमें, तो जो इसका राइट ऊतक हो रहा दोस्तों आंसर है वो क्या हो रहा, ब्लड कैसा होता हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड कैसा होता हमारा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ब्लड कैसा होता हमारा संयोजी ऊतक। शरीर में रक्त का पीएच फिर आ गया, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी, तो कितना होता है 7.4 हम अच्छी तरह जानते हैं,
कौन सा हार्मोन्स नहीं है? देखिए कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स नहीं है? इंसुलिन, एड्रेलिन, थायरेक्सिन या हीमोसिल। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा, मैं दिखा दूं पूरा आपको। आप हाँ, हीमोसिल, ठीक, हीमोग्लोबिन लिखा, क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हम हीमोग्लोबिन हम जानते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी दिया गया, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, और कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा रक्त कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन कैसा होता है? पिगमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? उपस्थित होता है आपके सामने, देखिए क्या दिया गया भाई, कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है। तो इसका जो राइट आंसर होता है भाई, वो क्या होता है? आयरन। क्वेश्चन ये पूछा गया है किसमें? एसएससी में पूछा गया है, और हमने देखा सीपीओ में भी पूछा गया है, ठीक है, और पुलिस में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट्स रहता है? तो याद रखिएगा आप लोग, आयरन होता है, एफ ई इसका सिंबल होता है, कभी ऐसे भी दे सकता है एफ ई करके, तो याद रखिएगा कि आयरन, एफ ई को आयरन कहते हैं, आयरन वैसे लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, बट अगर आपको एफ ई जो है पता होना चाहिए, एफ ई इसका सिंबल होता है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको एफ ई, तो यही इसका सिंबल होता है, तो इस तरह भी दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा एफ ई मिस आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है हीमोग्लोबिन बताइएगा आप लोग? हीमोग्लोबिन आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, अस्थि मज्जा में, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाई जाती है। देखिए एक चीज़ आरबीसी के लिए अच्छाई मिल गई, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आपने अभी तक देखा है ना, केंद्रक नहीं पाया जाता है, राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, ठीक, लेकिन क्या पाया जाता है इसमें? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ऊटो को ओ टू को कैरी करना, ओ टू को कैरी करना यानी ले जाना, ओ टू को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता कि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन किस सेल में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? मतलब रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन हेल्पफुल होता है? फाइब्रोनोजन, ठीक है, क्या लिया है? राइबोजियम राइबोबियम ल्यूगमिनोसेरस, स्ट्रेफाइलोकस और नोनोकोप्टस। तो जो इसका आंसर राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फाइब्रोनोजन, ठीक है, ये किस रूप में पाया जाता है? फाइब्रिन के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसको चेंज हो जाता है किस में? फाइब्रोजन के रूप में, ठीक है दोस्तों, फाइब्रोजन के रूप में चेंज हो जाता है, और यही हमारे जो है ब्लड को जमने में हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या होता है, मानव का सिस्टोलिक दाब कितना होता है? दो तरह के दाब होते हैं, एक होता है डायस्टोलिक और एक होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक अपान डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक, तो कितना होता है? 80/120, यही करेक्ट आंसर है। कभी इस तरह भी पूछा जा सकता है, सिस्टोलिक दाब यानी SP/DP, तो याद रखिएगा क्या होता, 180/120, अगर हम इसको दूसरी भाषा में लिखवाना कोशिश करें 180/120 को, तो 180 कैसे लिखते हैं भाई? mmHg, ठीक है दोस्तों, और वह ये क्या लिखते हैं? 120 mmHg। याद रखिएगा ये हमारा जो है ब्लड का प्रेशर नापा जाता है, Hg मीन्स मरकरी होता है, mm का मतलब मिलीमीटर में, ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है ब्लड के प्रेशर को नापा जाता है। तो क्या होता है सिस्टोलिक? 180, क्या होता है मानव शरीर का सिस्टोलिक? क्या होता भाई? 80 होता है, ठीक दोस्तों, 80 होता है, ठीक है, और डायस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, एस ए नोट का क्या काम होता है? एस ए नोट कहाँ पाया जाता है भाई? एस ए नोट कहाँ पाया जाता है? जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर एस ए नोट होता है, क्या यह दाब को बनाता है, धड़कन उत्पन्न करता है, रुधिर ताप को संतुलित करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? जो हमारी लब,
और डब है कि वॉइस होती है कहाँ से उत्पन्न होती है, एस से, नोड से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया लब डब की वॉइस कहाँ से जनरेट होती है, तो एस से नोड से। अब एस से नोड कहाँ होता है हमारे, ये हमारे होता है, ये हमारे होता है राइट वेंट्रिकल में। क्लियर हुआ आपको, राइट वेंट्रिकल में नीचे की साइड में होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। पेसमेकर भाग है, किसका पेसमेकर भाग है, कई बार पूछा गया है पेसमेकर किसका भाग है, या हार्ट का है, गुर्दे का है, फेफड़े का है, या फिर यकृत का है। लीवर यहाँ लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, यकृत। ठीक दोस्तों, पेसमेकर किसका भाग है तो बताइए आप लोग, हृदय का होता है, गुर्दे का होता है, फेफड़े का होता है, या फिर यकृत का होता है। तो पेसमेकर जो होता है दोस्तों, ये हमारे हृदय का भाग होता है, किसका भाग होता है, हमारे हार्ट का, हार्ट का ही भाग होता है। पेसमेकर भी किस में हेल्प करता है, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को संतुलित करता रहता। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी ये 20 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए व्यूअर होंगे उनके लिए ये संदेश है, जो हमारे ऑलरेडी मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।